इस समय जिम्बाब्वे की टीम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है, तो वहीं पाकिस्तान की टीम अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही है और उसे अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि पहले मैच में वो हारते हारते बचे, दूसरे मैच में ध्वस्त हो गए पूरी तरह से, और तीसरे मैच में यदि वही कुछ हाल रहा तो जिम्बाब्वे के लिए इतिहास रचने का सुनहरा मौका बन जाएगा। यहाँ अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ दिक्कत ये रही, या तो उसकी बल्लेबाजी चलती थी या गेंदबाजी चलती थी, लेकिन यहां पर ना बल्लेबाजी चल पा रही है, यानी ना मिडिल ऑर्डर चल पा रहा है, ना गेंदबाजी चल पा रही है, कहने के लिए सीमिंग कंडीशंस हैं, लेकिन सीमिंग कंडीशन पर जो सीमर हैं वो तो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये है कि फेवरेबल कंडीशंस में तो सभी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा खेलना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज हार कर आए, न्यूजीलैंड गए वहां पर भी कोई दाल नहीं गली, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में सीरीज नहीं हारी, 1-1 से बराबरी पर जरूर रहे, लेकिन चुनौतीपूर्ण रहती हैं कंडीशंस। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि स्थितियां अनुकूल होती हैं, UAE में स्थितियां अनुकूल होती हैं, और तो और साउथ अफ्रीका में भी गेंद बैट पर आ रही थी, लेकिन हरारे में ऐसा नहीं है, हरारे में गेंद बैट पर नहीं आ रही है, यहां पहले बल्लेबाजी करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां तो पाकिस्तान को बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, उसके लिए बाद में भी परेशानी का सबब साबित हुई वहां की कंडीशंस। तो यहां अगर कोई भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, फील्डिंग करना चाहेगी, और वैसे भी 150 रन, 140-150 रन एक डिसेंट टोटल है, यहाँ मैच विनिंग टोटल है, और इतने रन आपको बनाने होंगे, उसके लिए क्रीज पर टिकना होगा, और जो आप स्लोअर बॉल पर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स आउट हुए हैं, चाहे बाबर आजम, चाहे रिजवान, चाहे आसिफ अली, क्योंकि गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी परेशानी है, इससे थोड़ा सा निजात पाना होगा। डॉट बॉल का प्रेशर अपने ऊपर नहीं ओढ़ना, क्योंकि अगर आप डॉट बॉल का प्रेशर जिस तरह से पिछले मैच में भी देखने को मिला, जब पड़ता है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने विकेट खोते चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा निजात पाना होगा। और साउथ अफ्रीका में गेंद बैट पर नहीं बैट पर आती थी, उछाल लेती थी और स्ट्रोक प्लेयर्स को मदद मिलती थी, इसलिए साउथ अफ्रीका में स्थितियां काफी अनुकूल थी, लेकिन यहां जिम्बाब्वे जैसी टीम भी परेशान कर रही है, तो कंडीशंस की वजह से, कंडीशंस के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी नहीं हो पा रही पाकिस्तान क्रिकेट की, यही उसके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। और अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की वापसी मुझे करीब करीब तय लग रही है, क्योंकि 4 ओवर करने हैं और रेस्ट बहुत हो गया, 2 मैचों में आप वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और राउफ को खिलाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में मुझे लगता है खिलाना उनको अब मजबूरी है, उनको खिलाना ही होगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक मिडिल ऑर्डर में एक चेंज बहुत जरूरी है, अब ये तो मैं सिलेक्टर्स पे ही छोड़ता हूँ, यानी टीम प्रबंधन पे छोड़ता हूँ कि वो किस चेंज को करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया है जो खिलाड़ी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर जिम्बाब्वे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टेलर जो है वो 1000 रन पूरे करने से 64 रन दूर हैं, और वहीं सीम विलियम्स, उनकी वापसी तय है इस मुकाबले में, दूसरे मैच में वो खेले नहीं थे, और वो भी 1000 रन से 86 रन दूर हैं, यानी वो भी अपना एक इंडिविजुअल करिश्मा करने के करीब हैं। तो अब टीम का करिश्मा होगा या नहीं, इस पर पूरी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट थोड़ा पाकिस्तान में है, एशियाई टीम है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कुछ अच्छा करे, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़े, इज्जत की लड़ाई जीते, जो काम उसने साउथ अफ्रीका में किया था कहीं उस पर पानी ना पड़ जाए, ये बहुत जरूरी होगा इस वक्त। और यही है कि बस वही बात दोहराऊंगा मैं अपनी, मिडिल ऑर्डर, तेज गेंदबाजी, और बस ये 2-3 चीजें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है युद्ध स्तर पर, तभी बात बनेगी, नहीं तो जिम्बाब्वे इतिहास रचने के दहलीज पर बैठा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।